आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होगा। सुजानपुर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा ढालने और पुलिस कर्मचारी पर हमला कर उसकी वर्दी फाड़ने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में सुजानपुर पुलिस थाना प्रभारी अनिल पवार ने बताया कि रतन सिंह पुत्र शरण सिंह निवासी लखनपुर जम्मू कश्मीर जो कि सुजानपुर पुलिस थाने में तैनात है ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि गत रात्रि वह अड्डा सुंदरचक में अपनी ड्यूटी पर तैनात था और उसके साथ मंगल सिंह भी तैनात था और माइनिंग विभाग की ओर से बेलदार मुख्तार सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी अनूप शहर जो कि माइनिंग की पर्चियां चेक कर रहा था और हम उनकी सुरक्षा हेतु ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु तैनात थे, जिस दौरान कीड़ी गांव की ओर से जैसे ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई तो वह भुआ की ओर आने लगी तो सामने चौक पर खड़े युवकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और कहने लगे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गांव भुआ की जाने से रोका जाए, जिस दौरान उक्त कर्मचारी ने उन्हें रोकने से मना किया तो दोनों युवकों की पुलिस के साथ गाली गलौज करते हुए पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी, नेम प्लेट तोड़ दी। दूसरे पुलिसकर्मी वे बेलदार की ओर से शोर मचाने पर दोनों युवक मौके से फरार हो गए। वहीं जांच दौरान दोनों युवकों की पहचान प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार और राय सिंह पुत्र विजय कुमार दोनों निवासी बनी लोधी के रूप में हुई बताई गई है, जिसके चलते पुलिस ने उक्त दोनों युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात करीब 11 बजे अड्डा सुंदर चक जी अपनी ड्यूटी के जवान तैनात से उन्होंने डी आई जी का जवान रतन लाल जी इन्हों पिंड बनी लद्दी के 2 लड़के जिन्ह के नाम बाद रोहित टिंकू प्रदीप इलिश टिंकू वो तस्दीक हुए सी उन्हें काफ़ी मिसबिहेव किया जी जो अपने बहू रतन लाल जी वालों बार बार उन्होंने घर जाने बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने वालों जो मिसबिहेव किया गया कोई वर्दी का नुकसान किया गया कुछ एक दो चोटा लाइया इस संबंध में फिर रात मेडिकल करवा के दोनों के खिलाफ मुकदमा का रजिस्टर किया गया। दोनों ने तफ्तीश अज दोनों लड़के प्रदीप इलिश टिंकू रोहित पुत्र विजय सिंह वासियां बनी लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने मानयोग अदालत पेश किया जाएगा जी।